हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने घर के इधर के जो गणपति है गांधी चौक के वहाँ पे विसर्जन के लिए, तो वहाँ आरती होने वाली है। तो हम आरती यहाँ से हमारे घर से की तरफ से लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी को अपनी अपनी आरती लानी है, सब अपनी अपनी आरती करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से, क्योंकि वहाँ 5 मिनट में आरती तैयार होने वाली है। सुमिरन करते सुमिरन करते गजानन तेरा बारंबार बप्पा मोरया। सुंदर कमलासन हे शोभित सुंदर कमलासन हे रत्न जड़ित धूप दीप झाला आता का पुरारती, धूप दीप झाला आता का पुरारती, गणपती की जय जयकार। यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजा विराजाय तदय साये। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अगर हाँ कल समारोह रहेगा सभी मुझे निवेदन है कि कल समारोह में उपस्थित रहे। हमने जिस प्रकार गणपति जी का आह्वान करके उन्हें यहाँ बुलाए थे, आज उसी प्रकार उन्हें गणपति जी बप्पा से किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा कोई गलती। पड़ोसी भी रिश्तेदार भी खाना अपने घर से खाकर आए, दिल्ली लेकर भी आए। ऑर्डर पंचवटी में नकली खाना फिरिए कूपन ले जाओ, या फिर कूपन फटो पंचवटी का कूपन ले जाओ। विवेक भाई अश्विन भी बाकी चलो आधा घंटे आने आधा घंटा अभी बोलना मत किसी ने। पंचवटी वाले को ऑर्डर दिया है आधे घंटे में खाना आना है। सब तक मोबाइल सबसे पीछे बैठना पड़ेगा, बच्चे को पीछे के उसको पटले में रखा चलेगा पकड़ के नहीं बैठेगा तो गिर जाएगा। फोकस करें आ जाना भाई, आ जाओ।
दोस्तों हम घाट पे आ चुके हैं विसर्जन करने के लिए। वो खड़ी है मूर्ति पीछे वो वाली, और यहाँ पे एक और मूर्ति खड़ी है ये वाली, ये जा रही है अभी। तो इसके बाद हम जाएंगे और विसर्जन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा नाचे हम तो थकान हो गई है और भूख भी लग रही है। तो देखो आगे बढ़ रही है मूर्ति, चलो चलते हैं। भैया
दोस्तों यहाँ पे मूर्ति है, ये आ रही है पीछे मूर्ति, और यहाँ पे ऑलरेडी एक दो मूर्तियाँ खड़ी हुई है। ये थक गए काफी काम। दोस्तों मूर्ति उठा के उस स्टैंड पे रख ली है, अब वहाँ से हम विसर्जित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे स्टैंड बनाए गए हैं सभी के लिए, अगर बहुत सारी मूर्ति आ जाती है तो ना एक के बाद एक मूर्ति अपन रख के स्टैंड पे नीचे विसर्जन कर सकते हैं। तो अभी वहाँ रखी है और वहाँ पे अभी आरती होंगी, आरती के बाद फिर हम विसर्जन करेंगे उस मूर्ति का। जल्दिया गणपति की जय जयकार। अरे बाबा क्या बात है, लवा इधर लड्डू दो, उधर सुमित बहुत ही शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन करते हुए हमारे बुरहानपुर के कलाकार। परंतु भाई लोग ध्यान दें, आप लोग मेले से दूर रहे। बोलो गणपति महाराज जय। बस 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 जान दो गणपति का जाना। गणपति बप्पा अगले बरस जल्दी बैठ गए। 3 बज चुके हैं और मूर्ति विसर्जन हो गई है अभी, देखा आपने, और 3 बज गए। अब मेरा नेक भी दर्द करने लग गया है और अब जाते हैं घर पे, थोड़ा आराम करते हैं, फिर सुबह उठना है क्योंकि कल सुबह फिर अलग एक नए ब्लॉग बनेंगे, जितने भी घर के अंदर जो सारी मूर्तियाँ रहती है उसके, तो उसके ब्लॉग अलग बनेंगे। तो चलते हैं यहाँ से घर। अभी अभी गणपति को तो हमने वो उस पर खींच के लेके आ गए थे, अब जाएंगे कैसे क्योंकि सब थके हुए हैं, तो अब ट्रॉली का ट्रैक्टर का इंतज़ाम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं जैसा भी हो। दोस्तों 3:30 बज चुके हैं, ये देखिए 3:26 हो चुका है और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। अब थोड़ी देर सो के फिर सुबह उठना भी है क्योंकि कल ब्लॉग अलग बनेंगे, कल एक्चुअल ब्लॉग बनेंगे जो गणेश जी विसर्जन के हैं यहाँ पे। अभी तो ये मेरे घर के इधर के थे तो उसका ब्लॉग बना दिया। कल के जो ब्लॉग्स रहेंगे वो एक्चुअल विसर्जन है गणेश जी का बुरहानपुर में कि कैसा होता है, तो उस व्लॉग को मिस मत करना, वो मैं डालूँगा बना के सुबह शूट करूँगा। तो फ़िलहाल अभी बहुत थक चुके हैं, अभी पानी वानी पी के अब आराम करता हूँ मैं और सोता हूँ थोड़ी देर की 2-3 घंटे की नींद लेते। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट करो, और अगर बुरहानपुर वाले देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। बाकी के व्लॉग्स भी देखना मेरे अच्छे रहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।